ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तारीख 9 फरवरी 2020, नॉर्थ अमेरिका में बसे अल सल्वाडोर का तापमान खुशनुमा था। पारा 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास झूल रहा था, लेकिन राजनीति की तासीर बहुत गर्म थी। रविवार के दिन संसद का आपातकालीन सत्र आहूत किया गया था एक लोन पर अप्रूवल के लिए। दरअसल राष्ट्रपति नायब बुकेले पुलिस और सेना को सशक्त बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे थे अमेरिका से। अमेरिका राजी था, लेकिन अल सल्वाडोर की संसद तैयार नहीं थी और उसकी मंजूरी के बिना पैसा लेना मुश्किल था। इसी बाबत 9 फरवरी को यह बैठक बुलाई गई थी। सांसद कुर्सी पर बैठ चुके थे, राष्ट्रपति के आने का इंतजार हो रहा था और तभी एक अचरज दिखा। बुलेटप्रूफ जैकेट और राइफल के साथ सेना और पुलिस के जवान संसद के अंदर घुसने लगे। एक एक कर सांसदों की सीट के पास खड़े हो गए। इसके कुछ मिनट बाद ही बुकेले ने एंट्री ली। अंदर घुसते ही धमकी भरे लहजे में कहा, अगर एक हफ्ते के अंदर अप्रूवल नहीं मिला तो संसद भंग कर दूंगा। खैर, उस रोज मंजूरी नहीं मिली, मगर इसने बुकेले को पूरी दुनिया की नजर मिला दिया। बुकेले कौन, जो सुप्रीम कोर्ट को कहता है हमें आपकी जरूरत नहीं है, जिससे मुल्क के सबसे खतरनाक गैंग थरथर कांपते हैं, जिसको उसके समर्थक मसीहा और विरोधी हैवान कहते हैं, और जो अपने बारे में कहता है मैं दुनिया का सबसे कूल तानाशाह हूं। आज हम जानेंगे नायब बुकेले की कहानी, बुकेले ने अल सल्वाडोर को कैसे बदला और उसकी जीत के मायने क्या है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अल सल्वाडोर और उसके तानाशाह की। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, अल सल्वाडोर नॉर्थ अमरीकी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक ठीक लगाएं तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन में पड़ता है। नक्शे पर देखें तो नॉर्थ और साउथ अमरीका को एक टेढ़ी मेढ़ी सी पट्टी जोड़ती है, इसी को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। अल सल्वाडोर की पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन से लगती है। जमीनी सीमा दो देशों से मिलती है, ग्वाटेमाला और होंडुरास। अल सल्वाडोर में ज्वालामुखी फटने की घटनाएं आम हैं, इसलिए इस देश को ज्वालामुखियों की धरती भी कहते हैं। आबादी लगभग 65 लाख। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 77% लोग ईसाई हैं, 19% लोग किसी धर्म को नहीं मानते, बाकी के 4% दूसरी मान्यताओं के। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। अल सल्वाडोर की करेंसी है अमरीकी डॉलर, लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिकन डॉलर ही नहीं चलता। सितंबर 2021 में यहाँ की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को भी एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया, और वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। और तब से सरकार 1,000 करोड़ रुपए बिटकॉइन में निवेश भी कर चुकी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के मुताबिक मुल्क की GDP लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है, प्रति व्यक्ति आय 4,83,000 रुपए है। राजधानी सैन सल्वाडोर, और यही सबसे बड़ा शहर भी। नई दिल्ली से सैन सल्वाडोर की हवाई रास्ते से दूरी 15,000 किलोमीटर है। घड़ी 11.5 घंटे पीछे चलती है, यानी जब भारत में रात के 11:30 बजते हैं तब अल सल्वाडोर में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। भारत और अल सल्वाडोर के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत फरवरी 1979 में हुई थी। ग्वाटेमाला में स्थित भारतीय दूतावास ही अल सल्वाडोर को भी देखता है। अल सल्वाडोर ने नई दिल्ली में अपना दूतावास 2008 में खोला था, उससे पहले भारत उनकी लंदन वाली एम्बेसी के कार्यक्षेत्र में आता था। ये वहाँ का भूगोल हो गया, कुछ मौजूदा स्ट्रक्चर हो गया और भारत के साथ संबंध हो गए। अब इतिहास का रुख करते हैं। अल सल्वाडोर में इंसानी सभ्यता के निशान लगभग 15,000 बरस पुराने। बाहरी दुनिया से साबका 14 अक्टूबर 1492 में हुआ, जब इटली का खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस सैन सल्वाडोर के तट पर उतरा। वो स्पेन के पैसे से नई जमीन की तलाश करने निकला था और इसी क्रम में उसने अमरीका तक के रास्ते की खोज की थी। लोग कहते हैं अमरीका की खोज की थी, अमरीका पहले से था। यूरोप के चश्मे से दुनिया नहीं देखी जाएगी, या फिर ताकत के चश्मे से। बहरहाल 1524 में स्पेन का एक और जनरल पेड्रो डी अल्विराडो अपने भाई डियोगो के साथ सेना लेकर आया। स्पेन ने कब्जे के लिए मूल निवासियों का भयंकर शोषण किया, कई मौकों पर नरसंहार भी। स्पेन का यह शासन 1821 तक चला, उसके बाद अल सल्वाडोर आजाद हो गया। 1823 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा बना, इसमें कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ भी थे। यह संबंध 1838 तक चला, इसके बाद सब अपने अपने रास्ते। अल सल्वाडोर आजाद गणतांत्रिक देश बन गया, पर अंदरूनी समस्याएं बनती रहीं। सैन्य तख्तापलट, सिविल वॉर चलता रहा। 1930 से 1979 के बीच ही 17 बार सरकार बदली, और इस दौरान सिर्फ एक बार कोई सिविलियन राष्ट्रपति बना, बाकी दफा मिलिट्री हुंटा या मिलिट्री जनरल का शासन रहा।
1979 में फिर से सिविल वॉर शुरू हुआ। फौज और लेफ्टिस्ट गुरिल्ला संगठन फारा बुंदो मार्ती नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी FMLN के बीच 1992 तक 13 साल तक ये संघर्ष चला। यूएन के मुताबिक इसमें 75,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। फिर दिसंबर 1991 में सरकार और FMLN के बीच समझौता हो गया और दिसंबर 1992 में समझौते को अमली जामा पहना दिया गया और तब से सल्वाडोर में सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। FMLN अब एक राजनीतिक पार्टी है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इस देश का? यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अमरीका की तरह राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्र का मुखिया होता है। चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता सीधे वोट देती है। इसका मतलब पहले राउंड में किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट ना मिले तो दूसरे राउंड की वोटिंग होती है और उसके बाद पहले राउंड के टॉप 2 उम्मीदवारों के मुकाबले का नतीजा देखा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 बरस का। विधायिका की शक्तियां संसद में निहित। संसद का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली। एक सदन मेंबर्स की संख्या 84, 1 मई से ये संख्या घटकर 60 हो जाएगी और कार्यकाल भी सदस्यों का 3 बरस का होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 9 बरस का होता है। आज सल्वाडोर की चर्चा क्यों? आपको ये कौतुक होगा क्योंकि वहाँ 4 फरवरी को आम चुनाव कराए गए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सांसदों को चुनने के लिए सबसे ज़्यादा नज़र राष्ट्रपति चुनाव पर। इसमें नायब बुकेले की जीत तय मानी जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 70% वोटों की गिनती हुई और इन 70% की गिनती में 83% वोट गिने गए। वोटों में से 83% वोट अकेले बुकेले को मिले। फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने जीत का दावा भी कर दिया। Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85% de los votos. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. अगर बुकेले की जीत हुई, जो कि लगभग तय है, तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। 2021 तक अल सल्वाडोर का संविधान एक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाज़त नहीं देता था, पर सितंबर 2021 में संवैधानिक कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया और कहा राष्ट्रपति बीच में ब्रेक ले तो लगातार दूसरा कार्यकाल लेने में समस्या नहीं हो। इसी इरादे से बुकेले ने 30 नवंबर 2023 को छुट्टी ले ली राष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान लगाने के लिए। उनकी जगह क्लाउडिया रोड्रिगेज डी गुएरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब चूंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए एलिजिबल हो गए, उनके कानूनों की व्याख्या के हिसाब से, राष्ट्रपति की सहूलियत के हिसाब से। चुनाव खत्म हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। रिपोर्ट्स हैं कि बुकेले 1 जून 2024 को दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे। नायब बुकेले की कहानी, पैदाइश जुलाई 1981 की सैन सल्वाडोर में, तब मुल्क में सिविल वॉर था। बुकेले के पिता जाने माने बिजनेसमैन पुरखे फिलिस्तीन से अल सल्वाडोर आए थे, बाद में इस्लाम अपनाया। 1992 में पहली अल सल्वाडोर की मस्जिद बनवाई। हालांकि नायब बुकेले अपनी धार्मिक मान्यता को लेकर उदार हैं। 18 बरस की उम्र में पिता का बिजनेस ज्वाइन किया। 2010 के दशक में फुल टाइम पॉलिटिक्स में आए। 2012 में न्यू कैस्टलॉइन के मेयर बने। फिर FMLN के टिकट पर उन्होंने राजनीति आगे बढ़ाई। 2015 में कार्यकाल समाप्त हुआ, तब तक लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन में उन्होंने राजधानी सल्वाडोर से कैंडिडेचर हासिल की। यहाँ भी खड़े उतरे, बड़ी आसानी से मेयर का चुनाव जीत लिया, राजधानी को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाया और लोकप्रियता इससे बढ़ गई। ये सबके लिए अप्रत्याशित था। उनकी पार्टी FMLN के अंदर भी एक धड़ा उनकी इस अपार लोकप्रियता से खफा चल रहा था। 2017 में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निकाला गया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई न्यू आइडियाज़ के नाम से। फिर 2019 का चुनाव आया, उस बरस उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी चुनाव लड़ने की अर्हताएं पूरी नहीं कर पा रही थी। फिर ग्रैंड अलायंस फॉर नेशनल यूनिटी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और 53% वोट के साथ वो राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार में जीत गए, राष्ट्रपति बने। तब मुल्क में गैंग वायलेंस चल रहा था, हर साल हजारों लोग मारे जा रहे थे, लूटपाट डकैती किडनैपिंग जैसे अपराध हो रहे थे। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में था अल सल्वाडोर। बुकेले ने सब ठीक करने का वादा किया था। जनता पुराने नेताओं से त्रस्त थी। बुकेले में उम्मीद दिखी, असर नतीजों में भी दिखा।
अल सल्वाडोर क्या बदला। मुकेले ने पूरे देश में पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ाई, जेलों को मजबूत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़े गैंग से सीक्रेट डील की, पैसे के एवज में शांति की अपील की। हालांकि मुकेले इस डील से इनकार करते हैं। मार्च 2022 आया, एक हफ्ते के अंदर गैंग्स की हिंसा में 80 लोगों की हत्या हुई। फिर मुकेले ने सिक्का पलट दिया, देश में इमरजेंसी लगाई, पुलिस और सेना को खुली छूट दी, पूरे देश में ऑपरेशन चला, घर घर तलाशी। कुछ महीनों के अंदर 76,000 लोग जेल में बंद किए जा चुके थे। आप जनसंख्या मैंने बताई, देखिए कितना बड़ा नंबर है। सितंबर 2023 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 1,00,000 से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं। सोचिए, आबादी 65,00,000, उसमें से 1,00,000 लोग जेल में। फैसले की आलोचना भी हुई, कहा गया अपराधियों को पकड़ने के नाम पर आम लोगों और विपक्षी पार्टियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और बुकेले तानाशाह हो गए। पर बुकेले को इससे फर्क नहीं पड़ा, इमरजेंसी की अवधि बढ़ाते रहे, गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई को अपना USP बना लिया। सख्ती की वजह से हिंसा में भारी कमी आई। 2023 में हत्या की दर 70% घट चुकी थी आम लोगों के बीच, इसके चलते उनकी छवि मजबूत हुई। 4 फरवरी के चुनाव से पहले बुकेले की अप्रूवल रेटिंग 90% तक पहुंच चुकी थी। पर कहानी यही नहीं रुकती, उन पर प्रेस फ्रीडम और न्यायिक संस्थाओं को दबाने के आरोप भी लगे। इस चुनाव में ही बात करें तो उनकी पार्टी संसद की 60 में से 58 सीटों पर जीत की दावेदार है। अब उन्हें कानून बनाने में रुकावट नहीं आएगी और आशंका है कि ये जीत उन्हें निरंकुश बना सकती है, संविधान में संशोधन के लिए भी प्रवृत्त कर सकती है। ये बुकेले की कहानी थी, अल सल्वाडोर की कहानी। अब एक्सपर्ट कॉर्नर। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो विवेक मिश्र से बात की और पूछा सेंट्रल अमेरिका के देशों में गैंग वायलेंस की समस्या इतनी आम क्यों है और अल सल्वाडोर में उथल पुथल की वजह क्या रही। देखिए, सेंट्रल अमेरिका की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें काफी सारे डिक्टेटरशिप्स हैं और डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा वहाँ के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। कई कंट्रीज हैं जहाँ पे हैं, बट काफी कंट्रीज में आप देखेंगे अगस्तो बुतिस्ता जो थे वहाँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स भी लैटिन अमेरिका से आए हैं। तो एक ऐसा वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल कल्चर भी है और लोग जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप शायद पसंद करते हैं, लेकिन ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी तक वहाँ पे पूरी तरह से अपनी वो स्पेस नहीं बना सकी है इतने सालों में भी। और सेंट्रल अमेरिका में देखेंगे तो वो एक्चुअली शीत युद्ध के समय से एक कोल्ड वॉर में फंसा हुआ है। काफी कंट्रीज जो आप खासकर एल साल्वाडोर जहां जिसकी बात कर रहे हैं, एल साल्वाडोर शीत युद्ध के समय से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो तनाव थी उसमें फंसा हुआ था। अब सोवियत यूनियन, अमेरिका ने जो है एल साल्वाडोर की मिलिट्री को भी ट्रेन किया है कोल्ड वॉर के समय और सोवियत रेबल्स को वहां पे सपोर्ट करते, तो इस तनाव का जो नतीजा निकला वो अभी तक एक डेमोक्रेटिक सेटअप और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इसकी वजह से नहीं आ पाए। बुकेले को लगभग 85% वोट मिले हैं, उनकी पार्टी संसदीय चुनाव में 97% सीटें जीतने की स्थिति में है। इल्जाम लग रहे हैं वो सब भी अपनी जगह कायम है। इस अप्रत्याशित बढ़त को बुकेले की किस तरह से देखा जाना चाहिए। देखिए, बुकेले के साथ एक ऐसी सोल्यूशन भी आई है एल साल्वाडोर में जो लोगों को खासा पसंद आए। जैसे वहां के जो गैंग वॉर की प्रॉब्लम थी, एंड जो वो दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू एल साल्वाडोर, ऑल बी कंट्रीज हैं रीजन में, जहाँ ये हेटी खासकर देखिए आप, हेटी में ऐसे तनाव है गैंग्स में कि प्रेसिडेंट को घुस के घर में मार दिया, दो गैंग वॉर्स अभी कंट्रोल कर रहे हैं हेटी और पोर्टो प्रिंस जो उसका कैपिटल है। तो एल साल्वाडोर की ये अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रीजन में, ग्वाटेमाला भी देखेंगे आप, ग्वाटेमाला में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो एल साल्वाडोर अभी इतना, इट वॉज कॉल्ड मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अब वहां पे वो मर्डर रेट कम करने के लिए ये सोल्यूशन लेके आए कि जो सस्पेक्टेड भी हैं वो भी जेल के अंदर जाएंगे। तो इस वजह से मानवाधिकार उल्लंघन का काफी आरोप इन पे आया है कि कई लोग जो सस्पेशन के अंदर जेल में भरे, इनका गवर्नमेंट की डिफेंस है, और जो लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि मर्डर रेट और एक्सटॉर्शन रेट, हर हफ्ते करीबन $300 गैंग्स को देना पड़ता था, हर दो हफ्ते में $300 गैंग को देना पड़ता था, तो ये एक्सटॉर्शन रेट को कम करना, मर्डर रेट को कम करना, इससे एक पॉपुलैरिटी आई है। लेकिन दूसरी तरफ इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है ये, दूसरी तरफ मानवाधिकार का उल्लंघन लगा है क्योंकि सस्पेशन पे काफी लोग हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्रिटिसाइज किया है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दिस हैपेंस, बट लोगों में काफी पॉपुलर हो चुके हैं।
अल सल्वाडोर ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना अहम है और बुकेले की जीत से क्या बदल सकता है? काफी अहम है। सेंट्रल अमेरिका छोटी रीजन है लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा है क्योंकि वे क्यूबा के पास है। क्यूबा से रिलेशंस अमेरिका के हमेशा तनाव वाले रहे हैं और सेंट्रल अमेरिका में देखेंगे अमेरिका का काफी रोल है। इट्स कॉल्ड द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। तो अपने उसमें एक रिलेशनशिप काफी अच्छी है लेकिन शीत युद्ध के बाद और खासकर 90s और 2000s के बाद उतनी इंटरवेंशन ऑब्वियसली नहीं हो रही है। और जो अच्छी बात है, एक सॉवरेनिटी और एक इंडिपेंडेंस जो है इंटरनल अफेयर्स में अमेरिका उतनी ज्यादा मेडल नहीं करता। इकोनॉमिक एड काफी अमेरिका से आता है इसीलिए अभी और अगर क्राइम कम हो तो इससे अमेरिका को यह फायदा होगा कि वो जो इकोनॉमिक एड देते हैं वो एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाए। तो बुकेले के आने से ये सब फायदे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉक। शुभ रात्रि।